बॉलीवुड के संजू बाबा संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम का फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। वहीं फैंस के इंतजार के बाद संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम आज फाइनली रिलीज हो गई है, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में है। जैसा कि सभी जानते हैं, संजय दत्त की पिछली फिल्म कलंक के फ्लॉप होने के बाद प्रस्थानम से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, इसलिए फिल्म का हिट होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों ने फिल्म देखकर कैसे रिव्यूज दिए हैं, ये बात काफी मायने रखती है। चलिए दिखाते हैं आपको लोगों के रिएक्शंस। पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्टेड फैमिलियल लॉयल्टीज मिक्स्ड इन हेडी ब्रू, प्रस्थानम इज द मोस्ट पावरफुल मेलोड्रामा यू विल सी दिस ईयर। संजय दत्त, अली फजल एंड न्यूकमर सत्यजीत दुबे आर इलेक्ट्रीफाइंग, 4 स्टार्स। प्रस्थानम इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरग्यूइंग, वर्थ वॉचिंग कॉज ऑफ द अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय अली फजल, सत्यजीत दुबे, चंकी पांडे, संजय दत्त एंड फैब डायरेक्शन बाय देवा कट्टा। ऑल द बेस्ट अन्ना, देवा कट्टा एंड टू योर टीम, डेफिनेटली इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इन हिंदी, संजय दत्त भाई विल रॉक इट, गुड लक सर। प्रस्थानम इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस, डेफिनेटली गो वॉच इट फॉर द तेलुगु ऑडियंस हु लव इट, इट्स इवन बेटर इन हिंदी। अली फजल, सत्यजीत दुबे, जैकी श्रॉफ एंड संजय दत्त जस्ट टुक इट टू द डिफरेंट लेवल। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू मायरा दस्तूर, लुकिंग सो ब्यूटिफुल, क्यूट एंड प्रिटी, मैम यू आर सो टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड बेस्ट विशेज फॉर प्रस्थानम। तो इन ट्वीट से ये तो साफ झलक रहा है कि लोगों को फिल्म तो काफी पसंद आ रही है, साथ ही संजय दत्त की एक्टिंग की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। वैसे भी राजनीति के ऊपर बॉलीवुड में हमेशा ही फिल्में बनती रहती हैं और लोग इसे पसंद भी करते हैं। वही संजय दत्त की ये फिल्म भी कई मायनों में खास है, क्योंकि ये फिल्म संजय के अपने बैनर की फिल्म है। फिल्म का प्रोडक्शन खुद संजय की वाइफ मान्यता दत्त ने किया है। ये फिल्म साल 2010 में आई तेलुगु फिल्म प्रस्थानम की हिंदी रिमेक है। देवा कट्टा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, चंकी पांडे, अली फजल जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।